एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जय बायोकेमिस्ट्री में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। नेफ्रॉन के हमने अलग अलग पार्ट देखे थे, वोमिंग्स कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है ना। तो अब हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में ही, नेफ्रॉन के टाइप के बारे में, ठीक है। और जो एक मतलब बोलना चाहिए लास्ट लेक्चर में एक चीज थी कि जो आपका मेल्पिगियन कॉर्पसल है और बोलना चाहिए हेनलेस जो पीसीटी डीसीटी वाले जो पार्ट है, ये कौन कौन से रीजन में होता है इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में इसको कराया नहीं था। अब कुछ नहीं करना है तो साथ साथ एनसीईआरटी रखना है और चीज़ों को नोट भी करना है जो कि एक्स्ट्रा रहेगी, और आपको अपने नोट्स भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं सामने खड़े आऊँगा, आपको अपना स्क्रीन शॉट लेके रखना है, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो और मैं आपको क्या बता रहा था कि जो आपका दी मेल्पिगियन जी मेल्पिगियन कॉर्पसल दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, दो संरचनाएं इसमें सम्मिलित। सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो कैपिलरीज का नेटवर्क है ना, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे थे, ग्लोमेरुलस। और उसके वो जिसमें एक बोलना चाहिए कप लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वोमेंस कैप्सूल बोल रहे थे, समझ पा रहे हो। और फिर दूसरा मेल्पिगियन कॉर्पस है, जिसमें आपका ग्लोमेरुलस आता है ना, कॉर्पस में क्या आता है आपका ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस प्लस क्या बनता है आपका वोमेंस कैप्सूल आता है ना, वोमेंस कैप्सूल आता है, ठीक है। तो मेल्पिगियन कॉर्पस है, वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, ऑफ द नेफ्रॉन, द मेल्पिगियन कॉर्पस है, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन रीनल ध्यान नहीं मिलता। आपको मैं बताया था कि हम किडनी के जो आउटर पार्ट होता है ना, जो आउटर पार्ट होता है हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, कॉर्टेक्स बोल रहे थे, और जो इनर दबा हुआ जो पार्ट था वो था मेडुला था, ठीक है। हमने लास्ट सेक्शन में आपको मैं ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रीनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपका मेल्पिगियन कॉर्पस है, मेल्पिगियन कॉर्पस है जिसमें ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल आते हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी ये जो नेफ्रॉन की जो पार्ट है ये आपके रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में आते हैं, ठीक है। अब क्या बचता है, अब बचता है सर नेफ्रॉन का जो बोलना चाहिए लूप ऑफ हेनले, ये तो एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सर लूप ऑफ हेनले में इसका असेंडिंग पार्ट भी आएगा, सॉरी इसका डिसेंडिंग पार्ट भी आएगा और इसका असेंडिंग पार्ट, तो लूप ऑफ हेनले में इसका असेंडिंग पार्ट भी डिसेंडिंग का, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग द, तो आता हो गया लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग द आर फाउंड इन रीनल मेडुला। तो जो आपका लूप ऑफ हेनले, आपका जो लूप ऑफ हेनले है ये कौन सा रीजन में बेटा, ये रीनल के मेडुला रीजन, ये कौन सा रीजन है बेटा, रीनल मेडुला रीजन में है, समझ पा रहे। तो सर एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया, देखो मैं अगर आपको फिर से आपको मैं अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो सर ये हो गया हमारा रीनल कॉर्पस हो गया, ठीक है।
ठीक है, ये इसका पीसीटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये इसका पीसीटी वाला पार्ट हो गया, ये इसका एनलेस लूप वाला पार्ट हो गया, तो कौन सा पार्ट हो गया, एनलेस लूप वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये एनलेस लूप के डिसेंडिंग पार्ट, ये डिसेंडिंग आर्म और ये एनलेस लूप का असेंडिंग आर्म हो गया, ठीक है, फिर ये फिर वापस से कॉइल स्ट्रक्चर में कुछ भी आपको बताया था, वापस से कॉइल स्ट्रक्चर में खुलेगी, कॉइल के ग्रुप खुलेगा, फिर ये जो आपको डीसीटी बोले थे और ये डीसीटी वापस से फिर कलेक्टिंग डक्ट में खुलती, किसमें खुलती है, कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाती है, समझ पा रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाएगी, तो ऐसा बहुत सारे नेफ्रॉन की जो डीसीटी है वो किसमें खुलते हैं, लास्ट में आके कलेक्टिंग डक्ट में ही खुलेंगे, ठीक है, तो ये नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन ध्यान देंगे ग्लो, यहाँ पास कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, बेटा कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, तो जो जो ग्लोमेरुलस बोलते थे कैपिलरीज के नेटवर्क को, तो क्या ग्लोमेरुलस को जो ब्लड सप्लाई करेगी, जो आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई करती है, जो आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस को आपका ब्लड सप्लाई करेगी, हम लोग इसको एफरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे, और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लेकर बाहर निकलेगी, जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लेकर बाहर निकलेगी, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये सर आपका हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, है ना, तो ये इफरेंट आर्टेरियोल हो गया, ठीक है, ये आपका सर ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये आपका पीसीटी हो गया, ये डिसेंडिंग descending arm of Henle's loop हो गया, Henle's loop हो गया, ये ascending arm of Henle's loop हो गया, इसको मैं A ascending ascending arm of Henle's loop बोल देता हूँ, ठीक है, ये आपका बेटा DCT हो गया, ठीक है, DCT यानी distal convoluted tubule, और DCT जिस tubule में खुल रही है उसको बोलते हैं collecting duct यानी संग्राहक नलिका, collecting क्या बोलते हैं, duct बोलते हैं यानी संग्राहक नलिका बोलते हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है कि सर जो बोमेस कैप्सूल बनाए, बोमेस कैप्सूल ये है आपका बोमेस कैप्सूल, ये कौन है आपका बोमेस कैप्सूल, बोमेस कैप्सूल, तो आपका जो बोमेस कैप्सूल हो गया और जो ग्लोमेरुलस है ये कौन सा रीजन में होगा आपका, ये सब बोमेस कैप्सूल मतलब आपका जो गोमेंस कैप्सूल और हम लोग ग्लोमेरुलस दोनों को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं रीनल कॉर्पस है या फिर बेल्बिनियन कॉर्पस आया, तो ये दोनों की जो दोनों रीजन जो है ये आपकी कौन सा रीजन है, कॉर्टिकल रीजन में, पीसीटी भी कॉर्टिकल रीजन में आएगा, ध्यान देंगे है ना, अगर हम लोग इस पार्ट को अगर ऐसे डिवाइड कर दें, इस पार्ट को अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर दें, ध्यान देंगे ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्टेक्स, इस ऊपर वाले पोर्शन को बोल देते हैं कॉर्टेक्स, और नीचे वाले डिजाइन को बोलते हैं मैंडिबुला, ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर, यस और नो, ठीक है, तो हमको एक चीज समझ में आ रहा था कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमको कौन कौन सी चीजें दिखती है, कलेक्टिंग डक्ट तो पूरी तरीके से ये मैंडुलर रीजन में आता है ना, आया ना, हेनलेस लूप भी आप हेनलेस लूप को देख पा रहे हैं, ये पूरा हेनलेस लूप है, ये हेनलेस लूप है, तो जो हेनलेस लूप है ये भी आपका मैंडुलर रीजन में आएगा, तो सर हेनलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट मैंडुलर रीजन में आ गए, ठीक है, और सबको आगे अंदर बुला के अंदर बुला, ठीक है, और आपका जो आपका हो गया आपका बोमेंस मेल्टिगियन कॉर्पस है, यानी इसमें बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आते हैं, पीसीटी पीसीटी डीसीटी है ना, ये सब के सब आपके कॉर्टेक्स रीजन दिख रहे, तो आपको ये क्लियरली आपको विजिबल है कि मैं क्या क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब ध्यान देंगे मैं आपको कुछ और बातें भी बताने वाला हूँ, क्या इसी में ही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसी में कुछ और बातें बताने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसकी लेबलिंग को थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर की लेबलिंग को हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है, अब सर एक चीज दिख रहा है सर,
अब सर ये एपरेंट आर्टरी होती है और ग्लोमेरुलस से जो ब्लड लेकर बाहर निकलेगा तो कोई इफरेंट आर्टरी हो जाएगा। तो इफरेंट आर्टरियोल की जो कैपिलरीज है, इफरेंट आर्टरियोल की कैपिलरीज आगे जाकर पूरे रीनल टिब्यूल में, पूरे रीनल टिब्यूल में यानी जो पीसीटी डीसीटी यानी जो नेफ्रॉन के जितने पार्ट्स हैं उस पूरे टिब्यूल में इसके इसमें एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। समझ पा रहे? प्लीज, डिफरेंट आर्टरियोल का जो कैपिलरी है वो पूरे रीनल टिब्यूल के चारों ओर नेटवर्क बनाती है। इस नेटवर्क को हम पैरी टिब्यूलर कैपिलरीज बोलेंगे, फिर इस कैपिलरीज को हम लोग पैरी टिब्यूलर कैपिलरीज बोलेंगे। समझ में आया? अब पैरी टिब्यूलर कैपिलरीज की जो एक आर्म है वो हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगी, हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगी और इस हम लोग पैरेलल आर्म को इसकी पैरी टिब्यूलर कैपिलरी की वह भुजा मतलब वह कैपिलरी का वह नेटवर्क जो हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगा, मतलब अगर ये अगर हेनलेज लूप ऐसा है ऐसा तो जस्ट इसके जस्ट ऐसा वाले पोर्शन में, समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? तो एकदम ऐसा पैरेलल, तो जो हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगी हम उस रीनल टिब्यूल को बोलेंगे बेटा, सॉरी उस रीनल कैपिलरीज को बोलेंगे हम वासा लाइटा, ठीक है? तो देख लीजिए ये आपका इफरेंट आर्टरियोल हो गया है ना, इसका मैं नाम दे देता हूँ सर, ये एफरेंट आर्ट इसका मैं नाम दे देता हूँ सर, ये इफरेंट आर्टरियोल था, क्या था सर? इफरेंट आर्टरियोल था, डिफरेंट आर्टरियोल क्या करेगी सर? डिफरेंट आर्टरियोल क्या करेगी? ये रीनल टिब्यूल के चारों ओर, ये रीनल टिब्यूल के चारों ओर क्या करेगी बोलना चाहिए, नेटवर्क बनाएगी है ना, कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगी और उसमें से जो एक आर्म है वो क्या करेगा, हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगा, वो क्या चलेगा, हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगा। आप देख सकते हैं ये जो एक आर्म है ये हेनलेज लूप के पैरेलल चल रहा है, समझ पा रहे? तो ये जो हेनलेज लूप की एक आर्म जो है ये इससे पैरेलल चल रही है, और ये समझ पा रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है? तो सर इफरेंट आर्टरियोल क्या करता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो इफरेंट आर्टरियोल है ना, जो इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगी, ये रीनल टिब्यूल के चारों है ना, रीनल टिब्यूल यानी नेफ्रॉन की जितने टिब्यूल्स है पीसीटी डीसीटी हेनलेज लूप इसके चारों क्या करेगी, कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही है ना, ये क्या बना रही है, कैपिलरीज का क्या बना रही है, नेटवर्क बना रही है, क्या बना रही है, नेटवर्क बना रही है, और इस कैपिलरीज के नेटवर्क को नेटवर्क बना रही है ना, कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही है, और इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम स्पेशली क्या बनेंगे बेटा, पैरी टिब्यूलर कैपिलरीज बनेंगे, क्या बनेंगे, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी ओके, तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है? अब इसमें से पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी की एक आर्म जो हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगी, जो हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगी, इस आर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इस आर्म को हम लोग बोलेंगे वासा रेक्टा, इस आर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, वासा रेक्टा है ना, ये हो गया आपका वासा रेक्टा। तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी की जो एक आर्म होगी वो वासा हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगी, हेनलेज लूप के पैरेलल चलेगी है ना, और इस हम लोग जिस आर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे सर। तो जैसे कि हेनलेज लूप के दो पार्ट है सर, ये डिसेंडिंग पार्ट होता था और ये असेंडिंग पार्ट होता था, जो भी फिल्ट्रेट है वो यहाँ से जाकर इधर जाता था। तो सर इफरेंट आर्टरियोल में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो तो ऐसा हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ये वासा रेक्टा की डिसेंडिंग आर्म होगी, जहाँ से ब्लड नीचे जा रहा है जहाँ से ब्लड ऊपर निकल जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग आर्म वासा रेक्टा बोलेंगे। यस सर, समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे? तो ये था, ठीक है?
याद रखेंगे डिफरेंट आर्टरी होल्स, डिफरेंट आर्टरी होल रिनल टिब्यूल के चारों ओर कैपिलरीज के नेटवर्क बनाएंगे, इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम लोग पैरियो टिब्यूलर कैपिलरी बोलेंगे। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है, याद रखोगे। अब ध्यान दीजिए कि ह्यूमन बॉडी में एक तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये वाला जो ये वाला बोला था, ये नेफ्रॉन है, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है। मानिए हम लोग ये पूरे पूरे बोला था ये पूरी किडनी को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोल रहे थे और नीचे जो पार्ट फंसा होता है हम लोग इसको मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो एक नेफ्रॉन देख रहे हो आप जो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में, लेकिन सर मैं अगर अभी एक और नेफ्रॉन बनाऊं, एक और अभी मैं नेफ्रॉन बनाता हूं, ठीक है, एक और नेफ्रॉन बन रहा है, ये देख रहे हो तो आपको सर यहाँ पर इस किडनी में आपको दो प्रकार के नेफ्रॉन देख रहे हैं, है ना। आपको सर एक नेफ्रॉन देख लो, ये निकल गया, है ना। अब सर इस किडनी में दो नेफ्रॉन देख रहे हैं, एक नेफ्रॉन का जो हेनलीज लूप है वो मैंडिबुला तक घसा हुआ है और एक नेफ्रॉन का बोलना चाहिए जो हैंडलेस लूप है ये केवल केवल कॉर्टेक्स रीजन तक ही सीमित है। तो ध्यान देंगे ये वाला जो नेफ्रॉन है जो जिसका हैंडलेस लूप केवल कॉर्टेक्स रीजन तक ही सीमित है, इस नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं बेटा, इस नेफ्रॉन को बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, इस नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे टाइप के नेफ्रॉन क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना। ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। और ये जो नेफ्रॉन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे बॉडी का लगभग 85% यानी मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन कॉर्टिकल टाइप का नेफ्रॉन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। इन ह्यूमन बॉडी द कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 85 या मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन 85% होगा, ठीक है, जिसका हैंडलेस लूप केवल कॉर्टिकल रीजन यानी कॉर्टेक्स रीजन तक ही सीमित होता है। लेकिन सर वो नेफ्रॉन जिसका हैंडलेस लूप मेडुला के अंदर तक धंसा हुआ है, हम लोग ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलेंगे बेटा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। और ध्यान देंगे इफेक्टिवली ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, यानी ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए जो सबसे कारगर नेफ्रॉन है, यानी जो सबसे ज्यादा जिसका बोलना चाहिए इफेक्टिवली बोलना चाहिए ब्लड फिल्ट्रेशन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और हम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका उतना ज्यादा बोलना चाहिए महत्व नहीं है जितना इसका है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमारे बोलना चाहिए रिंग फॉर्मेशन ब्लड फिल्ट्रेशन है महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाएगा, यही इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ये हमारे बॉडी में कम होगा लगभग नियरली अबाउट 15% मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन केवल और केवल कुछ नेफ्रॉन है जिसका हैंडलेस लूप है वो मेडुला में घुसा हुआ, जिसका मतलब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ध्यान देंगे या तो हैंडलेस लूप होता है या तो बहुत शॉर्ट होगा जो कि कॉर्टेक्स रीजन तक ही सीमित होगा, लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आपके बोलना चाहिए मेडुला रीजन तक धंसा हुआ है, मेडुला रीजन तक धंसा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे में बोलना चाहिए जो बोलना चाहिए किडनी के जितने पार्ट्स हैं उसके हम लोग जैसे पीसीटी हो गया डीसीटी हो गया तो वहां पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं इसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं।